हाय देयर, ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की हाइलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 36 है। इसके अंदर आपको हाइलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाइलाइटेड हैंडआउट भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है टूल्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। तो इसके अंदर सबसे पहले है गैंट चार्ट। सो जितने भी टूल्स हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के, इन टूल्स का इस्तेमाल दूसरी प्लानिंग्स के अंदर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर हो, लेकिन मोस्टली ये टूल्स प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर होते हैं। गैंट चार्ट सबसे पहले है क्योंकि ये कॉमन टूल है, सबसे ज़्यादा कॉमन टूल यही है। और ये जो है विजुअल एड्स होते हैं जो यूज़फुल हैं लोडिंग में और स्केजुलिंग में। और इसमें हॉरिजॉन्टल बार जो है वो ड्रॉ करते हैं और हर बार डिस्क्राइब करता है हर एक्टिविटी को। सो हम ड्रॉ करते हैं प्लान परफॉर्मेंस को भी और एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी, और हम कंपेयर कर सकते हैं प्लान वर्सेस एक्चुअल के जो हमने प्लान किया है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें क्या डिफरेंस है और जो गैप होगा वो कहाँ है, वो कितना है। सो ये एक तरीका है स्केजुलिंग करने का हमारे काम को और कैसे हम अपनी एक्टिविटी करेंगे। और ये चार्ट कॉमनली यूज़ होते हैं फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए। सो हर एक्टिविटी के लिए बार होता है जो शो करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। सो इस चार्ट के अंदर ये चार्ट जो है ये स्केजुलिंग पर्पज़ के लिए, और बार चार्ट जो है वो ड्रॉ होते हैं हर बार डिस्क्राइब करता है एक एक्टिविटी को। और दिस चार्ट विल हेल्प टू नो, सो ये चार्ट जो है मदद करता है कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए किस टाइम पे, और कंपैरिजन होता है प्लान का एक्चुअल के साथ। उसके बाद है फिर पर्ट नेटवर्क। सो पर्ट जो है उसकी जो फुल फॉर्म है, ये एक एब्रिविएशन है, फुल फॉर्म है इसकी प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ये जो है एक डायग्राम होती है जो शो करती है फ्लो ऑफ एक्टिविटी, और इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर। और पर्ट चार्ट जो है इसको इस्तेमाल करके फाइंड किया जाता है डेडलाइन को, और इसको इस्तेमाल किया जाता है क्रिटिकल पैथ के लिए जो मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हुआ एक प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए। सो हम जो है वो डेडलाइन दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। इसके बाद है फिर इवेंट्स। सो इवेंट्स जो होते हैं ये शो करते हैं एंड पॉइंट्स को जहां हम पहुंचना चाहते हैं, और एक्टिविटीज़ इसके अंदर तमाम वो रिसोर्सेज शामिल होते हैं जिनका इस्तेमाल करके कंप्लीट किया जाता है प्रोजेक्ट को। उसके बाद है फिर सिलेक्ट टाइम। ये जो है डिले है किसी भी वजह से कि जो हमने प्लान किया वो नहीं हुआ, और डिले जो है वो सिलेक्ट टाइम है, यानी कि ये जो है पॉसिबल डिले है। उसके बाद है फिर क्रिटिकल पैथ, यानी कि पर्ट चार्ट को इस्तेमाल करते हुए डिटरमाइन किया जाता है क्रिटिकल पाथ जो है हर एक्टिविटी का, और डिटरमाइन किया जाता है जो मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है हर प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद अभी चैलेंजेस फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के लिए जो चैलेंजेस आते हैं, पहला है फ्लो ऑफ मटेरियल। सो मटेरियल का फ्लो ऐसा होना चाहिए कि मटेरियल जो है वो टाइम पे अवेलेबल हो। उसके बाद अभी स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड जो एक डॉक्यूमेंट है जो एस्टेब्लिश करता है यूनिफॉर्म इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्राइटेरिया मेथड्स प्रोसेसेस या प्रैक्टिसेस। सो स्टैंडर्डाइजेशन जो है प्रोसेस है डेवलप करने का और एग्री होने का टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। उसके बाद है फिर एरियाज फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। अच्छा, एक बात इसमें रह गई ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से कि हमारे जो पार्ट्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज होना चाहिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी। उसके बाद आता है फिर एरियाज फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। सो इसके अंदर जो पहला है वो है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट है वो, और कौन से मीडियम के ज़रिए मटेरियल जो वो रिसीव होंगे। और उसके बाद है फिर स्टोरेज, जब ट्रांसपोर्ट होती है तो उसके बाद स्टोरेज होती है मटेरियल की, और इसमें जो है वो वेयर हाउसिंग है या स्टोरेज है। और इसके अलावा है रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि हमारा जो रिकॉर्ड है मटेरियल का, कितना मटेरियल हमारे पास मौजूद है। और फिर है इन्वेंटोरी कंट्रोल, और ये भी फर्दर डिवाइड है, क्वालिटी कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल है, और हैंड स्टॉक डिटेल्स है। अब आपके सामने कॉस्टिंग के मेथड है, जितने भी कॉस्टिंग के मेथड हैं इनकी जो डिटेल है, जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, वो तो अकाउंटिंग के कोर्स में, स्पेशली जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो कोर्स है उसके अंदर इसकी काफ़ी डिटेल है और काफ़ी कैलकुलेशन है। आप में से जिन लोगों ने भी वो कोर्स पढ़ा होगा तो उनको तो समझ में आ जाएगा इजीली, और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वहाँ पे इसकी पूरी कैलकुलेशन आएगी। यहाँ पे सिर्फ मेन बात समझने की है वो ये कि लीफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ सबसे आखिर में आएगी उसको सबसे पहले निकाला जाएगा, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो चीज़ पहले आएगी उसको पहले निकाला जाएगा। और एवरेज कॉस्ट के अंदर जो है वो एक एवरेज कॉस्ट ली जाती है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस से। उसके बाद है फिर परचेसिंग प्रोसेस। परचेसिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए मटेरियल्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है मार्केट से, और
फर्म के अंदर उनको लाया जाता है ताकि परफॉर्म किया जा सके प्रोडक्शन ऑपरेशंस को। और परचेजिंग प्रोसेस के भी स्टेप्स हैं, पहली चीज़ ये कि सप्लायर की सिलेक्शन, दूसरा ये कि सप्लायर की इवेल्यूशन, उसकी इवेल्यूशन कि कौन सा सप्लायर फुलफिल करेगा हमारे स्टैंडर्ड को, और इवेल्यूएट करना, उसके बाद फिर इवेल्यूएट करना कैपेसिटी हर सप्लायर की, और शॉर्टलिस्ट करना जो अप्रोप्राइट सप्लायर है जो हमारे लिए बेहतर है वो, और नेगोशिएशन करना प्राइजेस की। ये जो टेक्निकल हिस्सा है, कभी कभी हम प्राइजेस नेगोशिएट करते हैं, और उसके बाद है स्टार्ट द सप्लाई ट्रांजेक्शन, और आखिर में जो है फिर मेंटेनेंस, मेंटेन द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मेंटेनेंस करना सप्लायर की, उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना। उसके बाद है फिर जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम जो है हमारे यहाँ पे इतना कॉमन नहीं है ये। इसके अंदर होता क्या है कि मटेरियल फौरन मिल जाए, जैसे ही उसकी डिमांड हो, जिस टाइम पे उसकी डिमांड हो तो मटेरियल फौरन मिल जाए, और इसके अंदर तब पॉसिबल ऐसा होता है कि जब रिलायबल सप्लायर सिस्टम हो, इसके अंदर कोई डिले नहीं होता, जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है उसके अंदर कोई डिले नहीं होता, और इसमें हम ऑर्डर करते हैं जब हमारे पास मिनिमम ऑर्डर सिस्टम होता है, और हम एक लिंक करते हैं सप्लायर के साथ, सो हमारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो सप्लायर तक पहुंच रही होती है। और इसके कई सारे फ़ायदे हैं, और अगले दौर में तो यही कॉमन होगा सिस्टम, हमारे यहाँ तो अभी ये सिस्टम कॉमन नहीं है और इवन के लोग जानते भी नहीं है। सो इसमें डिले नहीं होता, ये प्रोडक्शन डिले नहीं होगा, मटेरियल का डिले नहीं होगा और प्रोडक्शन डिले भी नहीं होगा, और इसके अंदर मैनेज होता है कैश फ्लो जो है अच्छे तरीके से, और अनसर्टेनिटीज़ यानी कि गैर यकीनी सूरत हाल से बचा जाता है। इसकी एप्लीकेशन अगर देखें कि इसको अप्लाई कहाँ किया जा सकता है, तो प्रोडक्शन के अंदर कंटिन्यूस सप्लाई को ये मैनेज करता है रॉ मटेरियल की, जब रॉ मटेरियल कंटिन्यूस उसकी सप्लाई होगी, रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं रुकेगी, तो उससे ऑपरेशंस जो होंगे कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वो ऑपरेशन भी कंटिन्यू रहेंगे, वो भी नहीं रुकेंगे। और मार्केटिंग के अंदर अगर इस सिस्टम को वेल मैनेज किया जाए तो सेल पर्सन जो है वो कर सकेंगे फाइनलाइज सेल्स डील को मिनिमम लीड टाइम के साथ, और उससे उनको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जो है वो एक एज मिलेगा। उसके बाद है फिर जस्ट इन केस। जस्ट इन केस जो है ये एक कन्वेंशनल सिस्टम है, जिसके अंदर कभी कभी हमें वक्त पे सप्लाई मिलती है या नहीं मिलती, कभी कभी हमें क्वालिटी वाली प्रोडक्ट यानी कि क्वालिटी वाली सप्लाई मिलती है या नहीं मिलती, और यही जो है जस्ट इन केस हमारे यहाँ पे कॉमन जो मेथड है वो यही कॉमन है, कन्वेंशनल जो मेथड है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या फिर इस वीडियो में भी कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए।